हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने ट्रेड्समैन, फायरमैन, एमए, मतलब एओसी की जब से वैकेंसी आई उन सब की अपडेट आपने सुन ली होगी। मतलब हर यूट्यूबर, हर कोई ये वीडियो आपको बताकर बता रहा है कि भाई ये होगा वो होगा, पर जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो किसी यूट्यूबर ने ना तो बताया है और ना ही कोई बताएगा। यदि बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को वो लिंक शेयर कर दीजिए। यदि नहीं बताया तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, इतनी ऑथेंटिक जानकारी, रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल रही है तो आप दूसरों को इसको छोड़ के दूसरों पे क्यों जा रहे हो? तो आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करना है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है सिविल भर्ती जो भी होती है, 41 APD, 31 APD, जो भी 41 APD भर्ती होती है, इसके अलावा आपका AOC ले लो, हर APD भर्ती में आपकी जितने भी आपका यहाँ पर फोर्सेज की भर्ती होती है, जैसे BSF, CRPF, CISF की ट्रेडसन भर्तियां या आपकी SSC GD की भर्तियां, इन सब की अपडेट आपको ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो आज मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, वो करने वाला AOC के अंदर MA की भर्ती आ चुकी है ऑलरेडी, MA की फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अभी क्या बचा है, अभी जो मेन मुद्दा है वो है ट्रेड्समैन और फायरमैन का, कि भाई ट्रेड्समैन और फायरमैन की भर्ती कब आएगी। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर ये ले लेते हैं भाई, कब इसकी भर्ती होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है आपके। ये कब सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यदि नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इस कब को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेरे दोस्तों, ताकि ये आपको भी याद रह जाए, मेरे को भी याद रह जाए भाई कब होगी, ये बता दूंगा मैं। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें फायरमैन की। इसमें एक और टॉपिक में यहाँ पर जोड़ता हूँ, योग्यता, योग्यता, ठीक है, एक और टॉपिक जोड़ता हूँ योग्यता, और इसमें भी आपका एक और टॉपिक जोड़ता हूँ योग्यता, ठीक है। ये दोनों आपका मैं यहाँ पर टॉपिक जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये चीज हाइट, चेस्ट, दौड़ और योग्यता, ये चीज हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। और कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा क्या होगा, क्यों होगा, कुछ होगा, तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं फायरमैन की। देखो, फायरमैन में हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर फायरमैन में हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं तो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। कितना? 85 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपका इसके अंदर फुलाव मांगते हैं, तो हो सके जहां तक आप 80 से 85 या 81 से 85 या आपका ज्यादा होना चाहिए 85 से। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका यहाँ पर 85 से आपका चेस्ट ज्यादा होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर दौड़ की। इससे पहले बता दूं, आप इसको मत देखो कि मेरे इसमें भर्ती है कि नहीं है, वो है कि आप सारी पोस्टों के ऊपर कंपटीशन लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो मेरे दोस्तों? आपको पता है MA की भर्ती फॉरम अप्लाई ऑनलाइन चालू है, मतलब फॉरम ऑनलाइन चालू है, तो इसलिए आपको साफ साफ बता रखा है कि आपको यहाँ पर हर एक रीजन से फॉरम भरने का अधिकार है। मतलब सारी वैकेंसी के ऊपर आपका कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। तो आप ये मत सोचो कि यार ये होने वाला, वो आपके लिए गोल्डन चांसेस है और बहुत ही अच्छा मौका है। इंडियन आर्मी की 60 साल तक नौकरी करने का बेस्ट मौका आपके सामने AOC लेकर आई है। आपको बता दूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, और जब मंजिल मिलेगी ना तो मिलने का मजा भी कुछ और आएगा। इंडियन आर्मी की वर्दी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो डिटेल में बात करेंगे। AOC में क्या कुछ सुविधा मिलती है वो सब कुछ आपको बता दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दौड़ की मैं बात करूं तो फायरमैन के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट के अंदर क्लियर करनी होती है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। कितना? आपको 6.5 मिनट, आपको यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको टाइम दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक दौड़ और होती है, वो दौड़ क्या होती है? 63 kg वजन उठा के, यानी 63 kg वजन उठा के आपको दौड़ना होता है 183 मीटर। कितना दौड़ना होता है? 183 मीटर आपको दौड़ना होता है। आप इसके लिए भी इन्होंने टाइम दे रखा है, इसके लिए भी इन्होंने टाइम दे रखा है, वो दे रखा है 96 सेकंड, मतलब आपका 96 सेकंड उन्होंने दे रखा है। कितना? 63 kg वजन उठाकर आपको यहाँ पर दौड़ना होगा 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर। एवरेज मानो तो आपका 60 और 30, मतलब आपका यहाँ पर 1.5 मिनट के लगभग आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर 183 मीटर आपको, मतलब 200 मीटर आपको दौड़ना होगा 63 kg वजन उठा के। अब वजन उठाने में वो मदद करते हैं कि नहीं करते, मैं बता दूं आपको, एक दूसरे बच्चे ही मदद करते, भाई फौजी वहां पर हाथ नहीं लगाता। हाँ, लास्ट में जो कैंडिडेट बचा था उसके भाई फौजी आपका हाथ लगाता है, ये नहीं कि सारे बच्चों को यहाँ पर फौजी उठा कर देता। नहीं दोस्त, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, वजन आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बता दूं। योग्यता की मैं अंदर बात करूं, इसके अंदर ओनली फॉर 12th पास आप हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फायरमैन का डिप्लोमा चाहिए, वो चाहिए। नहीं दोस्त, कुछ नहीं चाहिए, आप 12th पास हो कोई भी स्ट्रीम, ये नहीं कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, PCM हो, वो नहीं। नहीं दोस्त,
आपके पास केवल 12th पास होनी चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आपके पास, बायोलॉजी कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपके पास 12th पास की आप डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मतलब आपके पास ऑथेंटिक बोर्ड से होना चाहिए, ये नहीं कि आप बोर्ड है ही नहीं और उसके आप मार्कशीट बना के ला रहे हो, तो वो तो गलत बात होगी ना, वो तो नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। तो बता दो आपके पास, आपका यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम दोनों का साथ में ही देखेंगे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बात करते हैं अब ट्रेड्समैन की, इतना बात फायरमैन वाले में समझ में आ गया। लास्ट में ये भी बताऊंगा क्या दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या हम दोनों फॉर्म ये भर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों। बात करता हूँ यहाँ पर फायरमैन की, तो देखो वही आपका ट्रेड्समैन में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट आपका यहाँ पर 80 से 85, चेस्ट आपका 80 से 85 चाहिए। और दौड़ इसके अंदर बता दूं मेरे दोस्तों 1.5 किलोमीटर, इसके अंदर आपका 100 मीटर घटा दिया गया है, 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। कितना 6.5 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, 1.5 किलोमीटर, ये चीज आपको बता दूं। और इसके अंदर क्या होगा मेरे दोस्तों, 40 kg वजन उठा के दौड़ना होगा। इसके अंदर क्या होगा 40 या 45 kg के लगभग यहाँ पर जो डिपेंड करेगा आपके जो कमांडिंग ऑफिसर आपके या जो भी आगे कर्नल वगैरह भर्ती लेने आएंगे ना उसके ऊपर। मतलब आपको यहाँ पर पहले फिजिकल तो होगा, पर इसके अंदर आपका दो दौड़ यहाँ पर होने वाली है। इसके अंदर भी आपको 183 मीटर दौड़ना है और इसके अंदर भी आपको 96 सेकंड आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके अंदर योग्यता आपकी नॉर्मल, यदि आप 10th पास हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने। मतलब इसके अंदर योग्यता 10th पास हो और इसके अंदर 12th पास है। अब बात ये आती है कि सर हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या, बिल्कुल आपका यदि जिस तरीके से एमए का हमारा अलग एडवर्टाइजमेंट आया उसी तरीके से यदि आपका ट्रेड्समैन का अलग आता है, फायरमैन का अलग आता है, तो आप इस दोनों फॉर्म को भर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो जाएगा। क्योंकि हम 3-3 कंपटीशन साथ लड़ेंगे और 3-3 कंपटीशन में यार एक ना एक में तो जॉब लगेगी ना, वो बात नहीं सुनी क्या, तीर का निशान एक बार चूज सकता है, दो बार चूज सकता है, तीसरी बार में तो लगेगा लगेगा, मतलब जॉब तो लगेगी लगेगी एओसी में, और एओसी को तो लेकर ही रहेंगे मेरे दोस्तों। एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस को एक बता दूं बहुत ही अच्छी नौकरी है, बेटर रहने की यहाँ पर नौकरी आपको है। बात आती है कि क्या सर कब आएगी इसकी भर्ती, ये भी बड़ा सवाल है, यानी कि कब इसकी भर्ती होगी, तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों इसकी भर्ती आपकी यहाँ पर बता दूं आपका एमए का लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का होगा उसी दिन को अपडेट, यदि एओसी पर हो जाता है वेबसाइट पर तो हो सकता है, वरना आपका उससे 2 या 3 दिन बाद आपको 100% एओसी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा कि हाँ भर्ती आ चुकी है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो आपका भाई आपको बता देगा किस तरीके से, क्योंकि एमए का आपको फॉर्म बताया तो आपको ट्रेड्समैन का भी फॉर्म बता देगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। जब तक आपका भाई आपके साथ आपकी डर रही हो मेरे दोस्तों, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे अंदर इसके अंदर भी भाई और इसके अंदर भी, सबसे पहले आपकी होने वाली दौड़ जो आपको मैंने बता दिया भाई दौड़ कितनी होगी, उसके बाद में आपका हाइट चेस्ट वेट होगा, ठीक है, हाइट चेस्ट और वेट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका हाइट चेस्ट वेट वाली दौड़ भी हो जाएगी। इसके दोनों आप इतना होने के बाद में आपका होगा लिखित परीक्षा, दोनों के अंदर बात कर रहा हूँ लिखित परीक्षा क्या होगी, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा वो भी बड़ा सवाल है, तो बता दूं आपको 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर आपको 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने। मैं बता दूं मेरे दोस्तों इसके अंदर देखो आपका 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 50 क्वेश्चन सॉरी इंग्लिश के आएंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस के आएंगे, और 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 25 से आपका यहाँ पर रीजनिंग के आएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होने वाले, पर क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, 0.25 आपका यहाँ पर नेगेटिव रॉन्ग मार्किंग यहाँ पर रहने वाली, ये चीज मैं आपको कन्फर्म बता दूं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये होने के बाद में आपको वहां पर बोला जाएगा आप सिविल डॉक्टर से अपना मेडिकल करवा के लो, मतलब आपके अपने डॉक्टर से आपको मेडिकल करवा कर लेके जाना है, और वह यदि मेडिकल आप मेडिकल वो मान्य करेंगे, और मेडिकल मान्य करने के बाद यदि आप लिखित परीक्षा के अंदर आप मेरिट होल्डर आते हो, मेरिट में आते हो, तो आपका यहाँ पर एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर आपका इंतजार कर रही है, आपके लिए वो भर्ती इंतजार कर रही है, इसमें बच्चे 60 साल तक नौकरी करेंगे। तो बता दूं दोस्त आपके लिए गोल्डन चांसेस है, बहुत कुछ इसके अंदर मिलने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको बता दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। जब तक आपका भाई आपके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको सिविल भर्ती की सारी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता रहता है। प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे फौजी भाइयों, मेरे शेर शेरनियों, मेरे दोस्तों।